जो जब ये जो क्रेडिकोनस प्रिडिक्शन इंडेक्स जो है वो अगर 0.23 से अगर ज़्यादा होगा या 38.5 जो के टू वैल्यू है जो है वो ज़्यादा होगी तो फिर मतलब कम नहीं है। अगर कम नहीं है तो इट मीन्स कि इट इज़ नो, तो फिर हम नो वाली साइड पे आएंगे और इस साइड पे देखेंगे कि हमारा अब ये जो वैल्यूज़ हैं 0.23, 38.5 ये वाली वैल्यूज़ हैं जो हमने पहले डिस्कस की थी यहाँ पे इधर ये कि इसकी जो KPI वैल्यू ग्रेटर देन 0.23 और K2 ग्रेटर देन 38.5 इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ क्रेडोकोनस। तो अगर ये केस हो तो वो फिर इस दौरान क्या कुछ कैलकुलेट करती है मशीन वो बताया हुआ है फिर इस ट्री में इस ग्राफ में कि अगर ये वैल्यूज़ कम नहीं हैं तो फिर नो हो गया। नो में जब हम इधर आएंगे तो क्रेडोकोनस प्रिडिक्शन इंडेक्स अगर इक्वल टू है 0.23 के या 0.23 से बड़ा है लेकिन 0.3 से कम है अगर ये केस है तो फिर यस की तरफ आएंगे। मतलब यस है कि 0.23 इक्वल टू क्रेडिट जो क्रेडोकोनस प्रेडिक्शन इंडेक्स है उसकी वैल्यू अगर 0.23 है या 0.23 या 0.3 से कम है अगर ये केस है तो फिर यस है तो फिर हम इस साइड पे आएंगे। तो इट मीन्स कि ये बॉर्डर लाइन पे है। अब बॉर्डर लाइन पे वो डिक्लेयर कब करेगा कि बॉर्डर लाइन पे है वो फिर आगे मज़ीद कुछ वैल्यूज चेक करेगा जिसमें ये DSI विच इज़ डिफरेंशियल सेक्टर इंडेक्स जो कि हमने ऊपर अभी डिस्कस किया है इसी तरह OSI ऑपोजिट सेक्टर इंडेक्स और इसी तरह CSI सेंट्रल सराउंडिंग इंडेक्स। डिफरेंशियल सेक्टर इंडेक्स का डिफरेंस अगर 2.4 से बड़ा नहीं है और जो ऑपोजिट सेक्टर इंडेक्स है वो भी 2.0 से बड़ा नहीं है और सेंट्रल सराउंडिंग इंडेक्स की वैल्यू 1.0 से ज़्यादा नहीं है तो विच इज़ नो, तो फिर हम इस साइड पे आएंगे और फिर मशीन फिर इसमें फर्दर चेक करेगी कि क्या सेंट्रल सराउंडिंग इंडेक्स की वैल्यू 1.25 से बड़ी है या नहीं। अगर बड़ी नहीं होगी तो वो नो पे आगे डिक्लेयर कर देगी कि ये नॉन क्रेडोकोनस पैटर्न है और अगर वो बड़ी होगी यस में आएगा और कह देगा कि ये सेंट्रल स्टीपनिंग क्रेडोकोनस है। तो ये तो हो गया ये वाला मामला। अगर ये वैल्यूज़ इससे बड़ी नहीं हैं और अगर ये बड़ी हैं तो फिर वो इस तरफ आएगा और फिर स्ट्रेट अवे कुछ चेक किए बगैर डिक्लेयर कर देगा कि ये पेरिफेरल स्टीपनिंग क्रेडोकोनस पेशेंट है। इसी तरह अगर ये तो वो बात थी कि अगर क्रेडोकोनस प्रेडिक्टिव इंडेक्स जो है वो या 0.23 के इक्वल हो और 0.3 से कम हो लेकिन अगर केस इसके बरक्स आता है अगर वैल्यूज़ 0.3 से ज़्यादा 0.3 और 0.23 के दरमियान नहीं है तो जब नहीं है तो फिर नो वाली साइड पे आएंगे और नो में हम देखेंगे वो फिर मशीन खुद ब खुद चेक करेगी इंडेक्सेस को और उसका डिफरेंस देखेगी डिफरेंस सेक्टर इंडेक्स डिफरेंशियल सेक्टर इंडेक्स DSI DSI से ये बनता था ये हमने यहाँ पे पढ़ा है डिफरेंशियल सेक्टर इंडेक्स ठीक है। और ये जो वैल्यूज़ हैं ऑपोजिट सेक्टर इंडेक्स ये फिर इस फॉर्मूला में डालेगी यहाँ पे ये डिफरेंशियल सेक्टर इंडेक्स ये DSI यहाँ पे वो वैल्यू डालेगी इसी तरह OSI की वैल्यू यहाँ डालेगी ये पूरा फॉर्मूला कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट करने के बाद फिर वो चीज़ उसे मिलेगी फिर वो डिक्लेयर करेगी कि वो सेंट्रल स्टीपनिंग क्रेडोकोनस है या नॉन क्रेडोकोनस है या पेरिफेरल स्टीपनिंग क्रेडोकोनस है। तो इसमें जब DSI और OSI की वैल्यूज़ 2.4 और 2.0 से अगर उसे बड़ी मिलेंगी तो वो इस तरफ यस की तरफ आएगा और स्ट्रेट अवे कहेगा कि ये पेरिफेरल स्टीपनिंग क्रेडोकोनस पेशेंट है। और अगर उससे कम मिलेंगी मतलब कि बड़ी नहीं है और अगर बड़ी नहीं है मतलब उससे कम है
तो फिर वो 9 की तरफ आएगा और कहेगा सेंट्रल स्टीपिंग रेडोगोनस का वो पेशेंट है। तो ये एक रेडोगोनस स्क्रीनिंग क्लासिफिकेशन, इस तरह वो अपना यहाँ पे जो रिज़ल्ट है ये इधर जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये जो डिस्प्ले पे मैसेज आता है उस इस मैसेज के पीछे ये सारी कैलकुलेशंस करके फिर वो मैसेज देता है कि नॉन रेडोगोनस है या सेंट्रल स्टीपिंग है या पेरिफेरल स्टीपिंग रेडोगोनस है। जब ये तो हो गया कि वो कैलकुलेट कैसे करता है, क्या सारा प्रोसीजर उसका होगा, उसके बाद कुछ आगे फिर एक और ऑप्शन जो विंडो है वो है पैकीमेट्री की, द टेबल डिस्प्ले द समरी ऑफ पैकीमेट्री डाटा, और वो पैकीमेट्री डाटा में ये सारी चीज़ें वो यहाँ से आपको मिल जाएंगी कि मतलब ये टोपोग्राफी है। यहाँ पे अगर मैं पैकीमेट्री में जाऊँगा तो ये पैकीमेट्री डिटेल्स मुझे मिल जाएंगी, जिसमें कॉर्नियल थिकनेस विद इन 7 mm है, सेंट्रल की आ गई, ये सारा डिटेल्स आ गया विद एडजस्टेड, ये है इंट्राओकुलर प्रेशर कुरेक्शन फैक्टर साथ दे दिए विद रिस्पेक्ट टू कॉर्नियल थिकनेस, और इंट्राओकुलर प्रेशर फर्ज करें और पेशेंट का है फॉर एग्जांपल 18 मयर किया, तो वो ऑटोमेटिकली उसको डिसाइड करेगा कि मैंने सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू कॉर्नियल थिकनेस ऑफ द पेशेंट, और फिर एक्चुअल वो एडजस्टेड जो आईओपी है वो बता देगा कि ये एक्चुअल इसका एडजस्टेड आईओपी 70.5 mm ऑफ मर्करी है। तो ये इस तरह यहाँ पे पैकीमेट्री में ये ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। ओके इसके बाद आ जाता है मैप टाइप्स के, मैप की जो टाइप्स हम देख रहे थे उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैप टाइप्स में मैप क्या है, मैप ये है कि द फार्मूला फॉर कन्वर्टिंग ज्योमेट्रिकल रेडियस mm वैल्यूज इनटू ऑप्टिकल पावर वैल्यूज इनटू डायोप्टर्स डी, ये मैप है जो बेसिकली मैप की ये डेफिनेशन है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स हैं जो हमने देखे थे, पीछे 16 मैप्स थे, अब वो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सियल मैप्स। एक्सियल मैप्स क्या है, दिस मैप रिप्रेजेंट्स द स्फेरिसिटी ऑफ द एंटायर कॉर्निया, और द स्फेरिकल कॉर्निया विदाउट एस्टिग्मेटिज्म इज डिस्प्लेड इन वन कलर इन दिस मैप विच मेक्स इट इज ईजी टू आइडेंटिफाई द नॉर्मल कॉर्निया। तो एक्सियल मैप में द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ द सेगिटल मैप इन एक्सियल मैप, इसका दूसरा नाम एक्सियल मैप का सेगिटल मैप भी कहा जाता है इसको। तो बेसिकली अगर ये नॉर्मल है तो कलर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट, अगर स्फेरिकल कॉर्निया है विदाउट एनी एस्टिग्मेटिज्म है तो जो कलर जो डिस्प्ले होंगे वो नॉर्मल कॉर्निया के इजीली इस डिस्प्ले इन वन कलर में वो डिस्प्ले हो जाएंगे नॉर्मली। इसी तरह बेसिकली स्फेरिसिटी को मेजर करता है, जैसे अब ये सफ़ियर बन रहा है लेकिन यहाँ पे आके ये डिस्टर्ब हुआ हुआ कॉर्निया और यहाँ पे अलहदा हो गया, तो उसमें फिर उसमें ये होता है कि एक्सियल पावर इज ए कर्वेचर रेडियस मैप दैट डिफाइंस द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन द मेजरमेंट एक्सिस। ये मेजरमेंट एक्सिस आ गया, ये जितने भी हैं जो कर्वेचर रेडियस मैप की सेंटर ऑफ कर्वेचर की मेजरमेंट एक्सिस हैं, इट इज़ कन्वर्टेड टू रिफ्लेक्टिव पावर यूजिंग द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर कन्वर्जन बेस्ड ऑन अ पर एक्सियल कैलकुलेशन। तो यहाँ पे जब डिस्टर्ब होगा तो जाए यहाँ पे कोइंसाइड करने के, वो यहाँ पे आपस में कोइंसाइड हो जाएंगे इस पॉइंट पे, तो यहाँ से वो फिर एक्सियल मैप जो है वो कैलकुलेट करेगा और उसमें फिर जो भी डिफॉर्मेशन है उसका उसके मुताबिक इंटरप्रेट करके हमें कलर मैप दे देगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं टोपोग्राफी में जाऊँ, ये टोपोग्राफी, और टोपोग्राफी में ये एक्सियल मैप्स हैं, एक्सियल मैप में ये जो कलर्स आ रहे हैं ये, और ये भी डिफरेंट हैं, ये स्केल्स हैं, उसका ये स्केल है, इस विंडो का 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 ये स्केल है, तो ये डिपेंड करता है कि हमने अभी चूज़ क्या किया, वो स्केल्स आगे हम फिर आगे फर्दर पढ़ेंगे मज़ीद। तो यहाँ से
फिर वो जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स